हट जी बाबू, आप लोग कहे कहे, आप लोग को नहीं समझ में आता, जगह है वहां पे। बैठो बाबू, आगे वाले सीट पे जगह है, आगे वाले पे जगह है, वो बैठ जाएगी सर। लो उसको जगह बनाओगे तो और आराम से फैल के बैठ जाएगी। गुड मॉर्निंग, कहाँ तक बताए थे आपको? गंधार कला शैली, नागर शैली, वेसा शैली, ये सब बताना था। ये सब को हम लोग जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली विमानन शैली, द्रविड़ शैली सब कहाँ थे? सब दक्षिण भारत, और वहीं पर इसको हम बताएंगे। उसको किसी वंश वंशा से लेना देना नहीं है। ये तीन बार आपको कला साहित्य को पढ़ना है, थ्री टाइम्स पढ़ना है। नया मेटेरियल बहुत लड़कों को नहीं मिला, हॉल नंबर 2-1 में तो सबको मिल गया होगा, 2-3-4 में कुछ कुछ बच्चों को बचा होगा। आप बाकी जो पटना वाले लड़के हैं लोग, आप 2-3-4 हॉल नंबर वाले, आप शांति से बैठे रहिए क्लास में, आपको वहां मेटेरियल मिल जाएगा। उदंडई करते हो लोग तो छोड़ देंगे मेटेरियल जाके बाहर से खरीदना। सबको जब मिलता है तो बेवकूफ सब देहात का बारात समझ गया है, मतलब इतना बेवकूफ है सब। मैं कभी कभी मन लगता है जिसे ऑनलाइन वाले सही है, सही में ऑफलाइन वालों को बड़ी झमेला है, बैठा कि नहीं बैठा, आई कार्ड लाया कि नहीं, बेहोश हो गया। अब गर्मी के दिन आ रहा, हर बैच में 2 उल्टेगा। ला भाई देखे क्या बताना है। इसे पुरनका का पुरनका हो गया था, लास्ट में क्या बचा? अब ये ना बोल रहे बबुआ की गांधार कला शैली और द्रविड़ शैली, विमानन शैली, वास्तु मूर्ति निर्माण कला शैली, ये सब बाद में बताएंगे, ठीक है? इसको अभी नहीं बताएंगे, लास्ट, ठीक है? अब तो सुधारवाते चलेंगे टाइम टू टाइम। इसमें भी गलती, हर बैंस में 2-3 लाइन गलत, सुधार दीजिएगा, ठीक है? हम बता देंगे तब सुधारना होगा। चलो बबुआ देखो ध्यान से, गुप्त वंश के बारे में पढ़ाना है। मगध पर शासन कितने लोगों ने किया भैया? हसीन मसुकसा, हसीन मसुकसा, हा बबुआ, सा बोला, सा बोलो, सर बोल रहा, हमको लगा कुछ पूछेगा। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोग ना आगे का पूछने लगते हैं, जैसे क्लास खत्म होता है तो कई लड़के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल ये पूछा, क्या पूछा था कल क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, मूर्ति विरोधी वगैरह को किसी नाम से जाने थे, चार गो आते हैं सब, बौद्ध विरोधी, बौद्ध स्तूप तोड़ने वाला, ब्राह्मण विरोधी, ये सब जब होंड पढ़ेंगे ना तो उनका नाम लिखेगा इसी वाले मटेरियल में, ठीक है? तो आप लोग कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छी बात है आप पूछते हैं, बट वो कहाँ रहता है? आगे रहता है। हम थोड़ा सा कह देते हैं कि बाबू हम पति भी नहीं करते, जब आगे है तो खूब डिटेल से बताएगा आदमी, है कि नहीं? टेम्पोररी बता के क्या करेगा? तो आप लोग अच्छी बात है आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। किसी किसी को अगर हम बोल देना कि ठीक बाबू आगे बताएंगे, तो समझ जाए कि कहाँ पे चर्चा होने वाली है आगे। ये पहला हम लोगों ने लाइव वाले सब लोग अब ध्यान से देखो, हसीन मसुकसा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मौर्य वंश जब चल रहा था, कौन सा वंश भाई? मौर्य वंश चल रहा था, तो मौर्य वंश के समय भारत में क्या हो गया? आक्रमण हुआ। मौर्य वंश की स्थापना के जस्ट बाद कई ठो आए सब, कौन सा? ISPK, ये जो चार वंश है ISPK और इसके बाद के चार वंश, ये जो वंश है ये सब साथ क्या चल रहे थे सर? पैरलर चल रहे थे सर। क्या चल रहे थे? पैरलर। ये इधर जाके सातवाहन खत्म हुआ, इधर जाके क्या खत्म हुआ? कुषाण। कुषाण से क्या निकले सब? सामंत। कुषाण से क्या निकले सब? सामंत निकले सब। क्या निकले भैया? सामंत। हालांकि सामंती व्यवस्था दी किसकी थी? सातवाहनों की। सामंती व्यवस्था किसकी दी गई थी? सातवाहनों की। आपको इस हसीन मसुकसा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको फिर से बोलते हैं, अभी भी वक्त है, घर पे रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस नहीं जोड़ पाएंगे, इतिहास इतना भयानक हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं। और ये सारा का सारा सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, ये तो यहाँ तक खत्म हो जाएंगे, और यहाँ ISPK, इसमें इंडो ग्रीक तो कोनो काम का नहीं, सोच रहा वो तो उस सुमित सुंगे के समय में बता ही दिए थे।
शक भी थोड़ा बहुत काम लगा है सर, और कुषाण काम लग गया। कुषाण बता दिए पहले कोनो काम करे। कुषाण के क्या थे सर? सामंत। इसके सामंत में सबसे प्रमुख सामंत थे सब गुप्त। क्या नाम था? गुप्त। सबसे सामंत प्रमुख सामंत गुप्त। देखो भाई, भारत को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो साम्राज्य विस्तार है ये शिफ्ट होते गया। शुरुआत में साम्राज्य किस साइड में था? मगध साइड। बट शुंग वंश के समय, कल एक लड़का पूछ रहा था सर कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, वो भी तो शूद्र जाति का था, क्षत्रिय तो वो भी नहीं था, तो वो भी तो गैर क्षत्रिय शासक होगा। रे भैया, हम क्षत्रिय राजपूत की बात नहीं किए थे, हम क्षेत्रीय एरिया की बात किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, वो हमरे आके झाड़ रहा है। खरा गलती पढ़ा दी है। तो गैर क्षत्रिय नहीं कह रहे, क्षेत्रीय। तो शुरुआत में एरिया कहां था? मगध में। ध्यान से देखो भाई, इसके बाद ये किस साइड में शिफ्ट होने लगा था? मध्य प्रदेश के साथ विदिशा में। कहां पे? विदिशा। विदिशा में शिफ्ट हुआ था। विदिशा में किसके समय शिफ्ट हुआ? शुंग वंश के। जबकि सातवाहन में देखेंगे तो आंध्र सातवाहन बोला जाने लगा। कहां शिफ्ट हो गया? आंध्र, आंध्र प्रदेश में। तब तक इसी बीच क्या हो गया सब? इधर ही चल रहे थे आईएसपी के, आते गए थे सब। अब कुषाण किस साइड से एंट्री मारे थे सब? भारत के पश्चिमोत्तर साइड में। तभी ना कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, जिन्होंने कश्मीर में चौथे बौद्ध संगीति की स्थापना किया। तो ये उसके समय ये साम्राज्य किधर चला गया? ऊपर की ओर। तो हमेशा थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है कि किस एरिया में किसका विस्तार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कुषाण वंश अपने समाप्ति के समय पर था, कौन सा वंश बहु? कुषाण वंश। तो इससे छोटे छोटे कई सामंत निकल गए सब। अब सामंत बताओ बबुआ, अगर सामंत निकलना भी है तो उसके राजधानी के पास से तो निकलेगा नहीं, थोड़ा दूर का एरिया ही टूट फूट के अलग होगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए लाइव वाले लोग। अब शाम 6 बजे जो नक्शा का बैच है वर्ल्ड मैप का, उसका उसका एडमिशन हम 12 बजे खोल देंगे, क्योंकि 12 बजे 7 मिलियन हो जाएंगे सब सब्सक्राइबर। ठीक है, तो 12 बजे हम आपको कर देंगे। समझ में आप ही लोग के बदौलत होता है, और आप टेंशन नहीं लीजिए बाबू। हम आपको एक वादा करते हैं, हम अभी हमको 7 मिलियन हो गया, बहुत जल्दी जल्दी 10 मिलियन हो जाएगा। आपके छोटे से बड़े बातों को मीडिया इग्नोर कर देती है। मीडिया क्या कर देती है? इग्नोर कर देती। लेकिन हम आपकी बातों को कभी इग्नोर नहीं कर देते। और इवन अच्छी बात है कि आप और इंडिया के सारे टीचर विद्यार्थियों के मुद्दे पर साथ खड़े रहते, चाहे आपको हम लोग को कितनों बोल दे। आप देखिएगा, मोदी रोजगार तो बोले थे, तो सोचो हमारे पीछे कोई वो कर रोजगार मांग रहा है। अरे भाई साहब, रोजगारे ना मांग रहे हैं कि कोनो हम AK-47 मांग रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये जब बहुत जल्दी 12 बजे हो जाएगा, हो गया है 7 मिलियन। आपको अपडेट कितने बजे करेगा? 12 बजे। तो 12 बजे हम आपका एप्लीकेशन पे आपका चालू कर देंगे। ठीक है, किसमें? दिन में। अब ये हो जाएगा जी, हो चुका है। आपके दिखेगा, आपको दिखेगा 6.99। वो अपडेट करता है 12 बजे, तो जैसे अपडेट करेगा क्या दिख देगा? 7 मिलियन। चलो भाई, देखो हम लोग लॉकडाउन में सोचे नहीं थे कि इतना हो जाएगा। आप लोग का चुछा, हमको समझ में नहीं था लोगों को अच्छा क्या लगता है। आप लोग को मजा आता है पढ़ने में? चलो भाई बढ़िया है। आप थोड़ा सा आज चुछा दिमाग खराब हो गया, खांसी सर्दी बड़ी खराब होता है। देखो, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोग भी बहुत आगे निकले। तो ये सामंती व्यवस्था कुषाणों का ये क्षेत्र था। तो सामंत टूटेंगे तो क्या इसकी राजधानी के पास से टूट जाएंगे? कचर के थूर देगा। सामंत थोड़ी दूर वाले एरिया से टूटेंगे, तो ये वाले एरिया से सामंत टूटने लगे सर। यहां से सामंत क्या होने लगे? से टूटने लगे सर। तो ये उत्तर प्रदेश का एरिया बनता है, जहां पर कौन सा वंश आ गया? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। कौन वंश बाबू? गुप्त वंश। तो यहां लिख दे गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। ये किसके सामंत थे? कुषाण के। इसमें सबसे पहला शासक था श्री गुप्त। क्या था? श्री गुप्त। इसने अपना क्षेत्र तो अलग कर लिया, शासन तो अलग कर लिया, लेकिन कभी भी खुद को डरे राजा घोषित नहीं किया, क्योंकि आखिर कभी ना कभी तो ये सामंत किसका था? कुषाण का। पता था कि अगर शासक घोषित कर लेंगे तो बवाल हो जाएगा, और सामंत अपना क्षेत्र घोषित कर लिया तो गलत क्या है? वो तो उसकी जमीन है, ये क्लासरूम हमारे लिए है, यहाँ के हम ही है सब कुछ। मतलब हम जो हमारा नियम रहेगा वही यहाँ का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसने अपना एरिया बना लिया। इसके बाद अगला शासक आया घटोत्कच। कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच भी आया, उसने भी इस एरिया में शासन किया।
किस रूप में शासन किया? सामंत के रूप में। यहाँ राजाओं का एंट्री रोक दिया, सब कुछ रोक दिया, लेकिन खुद को क्या राजा घोषित किया? तो क्या हम इन्हें राजा की तरह वैल्यू देंगे? कभी नहीं देंगे। इन्हें हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ये गुप्त वंश के वास्तव में संस्थापक थे। ये बात अलग है कि न्यू इन्होंने ही रख दिया, न्यू क्या रख दिया था इन्होंने, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें मानेंगे नहीं। ये लोग उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के एरिया में अपना क्षेत्रफल को लेके गए थे। उत्तर प्रदेश के कहां पर? कौशाम्बी। कितने लोग बता सकते हैं कौशाम्बी अभिलेख किसका है? अशोक किसके लिए? रानी के लिए। उठा के कहां लेके चला गया था? इलाहाबाद। कौन ले गया? अकबर। तो कौशाम्बी से इन लोगों ने शासन करना चालू किया, बिहार से इन लोगों ने शासन करना चालू नहीं किया। इस वंश के पहले शासक कौन थे? श्री गुप्त, दूसरा घटोत्कच। ये दोनों ने शासन कैसे किया था? सामंत के रूप में। अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करने का काम चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। और इसने सबसे पहले बिहार में, कहां पर? बिहार, ब्याह किया। बिहार में ब्याह, लिच्छवी राज्य की, लिच्छवी जो था यहाँ पर, आपको बताएं वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली में जो वंश था लिच्छवी वंश, सबसे पहला गणराज्य लिच्छवी, पहला गणराज्य लिच्छवी। और उसी के जस्ट बगल में यूपी का मल्ल महाजनपद, बताए थे मल्ल महाजन, दोनों क्या थे सब गणराज। तो इसने शादी कहाँ कर लिया? लिच्छवी, लिच्छवी की लड़की का नाम था कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी से शादी कर लिया। किसे शादी किया? कुमार देवी से। और एक सिक्का चालू किया था, राजा रानी का सिक्का, एक और चंद्रगुप्त और एक और कुमार देवी, कुमार देवी, देवी कुमार नहीं रहे, कुमार देवी। चलो ध्यान से समझिए, राजा रानी का सिक्का किसने चालू किया? चल जैसे अभी हेड टेल होता है ना उस समय, चलते देखते हैं, राजा की रानी राजा की रानी, सेम हेड और टेल की तरह होता था। किसने चालू किया? चंद्रगुप्त। इसका लड़का जो हुआ समुद्रगुप्त, इसका लड़का कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी, इसका ननिहाल कहाँ है? लिच्छवी। ननिहाल, लिच्छवी। ननिहाल कहाँ था? लिच्छवी। इसलिए इसे ये अपने आप को कहता था लिच्छवी के नाती है। किसके नाती है? लिच्छवी के नाती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो लिच्छवी दौहित्र कहता था, लोग इसे कहते थे लिच्छवी दौहित्र, तो बड़ी खुश हो जाता था। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे उत्तर अयोध्या में जाएंगे ना, अयोध्या में राम जी की शादी जनकपुर में हो गई थी, तो आज भी कुछ कुछ ऐसा वो होता है कि जनकपुर से कुछ लोग आते हैं अयोध्या में, तो बड़ी नहीं देखते हैं, हंसी मजाक होता है, कोई कुछ करते हैं लोग, कुछ कुछ मतलब हंसी मजाक में लोग उल्टो सीधे बोलते हैं, नहीं देखते हैं। दामाद जाता है तो बड़ी उनको बोला जाता है मजाक वजाक, तो वैसे ही राम जी का भी होता है। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना अपने क्षेत्र से बड़ा लगाव रखते हैं। इसका ननिहाल कहा था समुद्रगुप्त का, ध्यान से देखो, लिच्छवी। तो खुद को क्या बुलाता था? लिच्छवी दौहित्र। क्या कहता था? लिच्छवी दौहित्र, मतलब लिच्छवी का नाती। अब देखिए भैया, यहाँ इसका ननिहाल हो गया, ननिहाल में कोई किसी को थूरता मारता नहीं है, और ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश वाला इसका हो गया। समुद्रगुप्त अशोक का ठीक उल्टा था, अशोक का क्या था? ठीक उल्टा। अशोक जहां अहिंसावादी था, हालांकि अशोक पहले तो अशोक का पहले सीधा था, पहले तो खतरनाक था वहां पे, तो ये अशोक के ठीक विपरीत था, ये साम्राज्यवादी था। इसने कहा कि हम उत्तर भारत को सबको जीत लेंगे, उत्तर भारत के लगभग 9 राज्यों को क्या कर गया? जीत गया, और दक्षिण भारत के 1 दर्जन यानी 12 राज्यों को जीत गया। तो आर्यावर्त को तो पूरी तरह जीत के अपने कब्जा में ले लिया, लगभग 9 राज्यों को क्या किया? ले लिया। और दक्षिण भारत देखा तो समस्या लगा कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, अजंता पर्वत है, इनको पार करके वहां जाने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा आपकी सेना खर्च हो जाएगी, ध्यान भटक जाएगा। इसलिए कहा कि देखो भाई, दक्षिण भारत वाले राजा, आप जो 1 दर्जन जिनको हम अभी लात कूच के हराए हैं, आप लोग हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए और हमें टैक्स दीजिए। तो दक्षिण भारत के राज्यों को पूरी तरह कब्जा किया या टैक्स लेके छोड़ दिया? टैक्स लेकर छोड़ दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए ना। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को क्या किया? टैक्स ले लिया, और उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने अंदर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से पृथ्वी को बांध लिया अपने पास। इसलिए इसे कहा जाता है धरणीय बंध। क्या कहा जाता है? धरणीय बंध। क्या कहा जाता है? धरणीय बंध। पूरी तरह से जीत गया। ऐसे ही एक शासक था यूरोप में जिसका नाम था नेपोलियन, पूरा यूरोप रौंद के रख दिया था। इसलिए इतिहासकार बीएन स्मिथ ने इसे क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इसे धरती धरणीय बंध या धरती बंध, धरणी धरती को बांध के रखने वाला। लिच्छवी दौहित्र क्यों कहते हैं? ये बहुत ही ज्यादा इसको लड़ाई उड़ाई करने का शौक था।
लेकिन पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। मतलब यहाँ तो इस पर टैक्स लगता नहीं था, टैक्स लगता था नहीं लगता था, इसलिए इसका समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था, 3 समुद्र का पानी पीता था। यह बहुत ही प्रतापी यानी बहुत ही खतरनाक शासक था। इसके जितने भी वीर गाथाएं हैं ये प्रयाग में, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख समुद्रगुप्त खुद नहीं लिखा है बल्कि अपने दरबारी कवि हरिसेन से लिखवाया है। किससे लिखवाया? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में मिलती है। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख हरिसेन ने लिखवाया था। हरिसेन किसके कवि? दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। और ये महासंधि विग्राहक थे। महासंधि विग्राहक मतलब दो लोगों में समझौता करना होता था, तो कौन कराते थे? हरिसेन। कौन कराते थे? हरिसेन। हरिकेन नहीं, हरिकेन तो तूफान होता है। हरिकेन क्या होता है? तूफान होता है। तो चलिए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ कुछ चीजें बताएं, एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। इन्हें कौन सा दौहित्र पसंद था? कहना तो लिक्ष्वी दौहित्र। इसे धारणी बंद क्यों कहा गया? धरणी बंद क्यों कहा गया? जीत गया था पूरा धरती है, 12 उत्तर भारत के, उत्तर भारत के 9, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत दिया। नेपोलियन इसे किसने कहा था? बीएन स्मिथ कहा गया था इसको। दौहित्र हो गया, बीएन स्मिथ बहुत हो गया यहाँ पे। लिक्ष्वी दौहित्र क्यों कहा गया? धरणी बंद क्यों कहा गया? जीत लिया। बीएन स्मिथ ने तुलना किसे किया? इसका घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता? 3 समुद्र का पानी पीता था। हरिसेन इसके क्या थे? हरिसेन दरबारी कवि। कौन सा अभिलेख मिला है? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख। कौन सा? प्रयाग प्रशस्त्री। हरिसेन महासंधि विग्राहक थे। क्या थे? महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक का मतलब समझौता कराने वाले। इसे कविराज भी कहा जाता है। किसे? हरिसेन को, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। इसे कविताएं लिखने, पोएट्री लिखने, कृष्ण वगैरह के बारे में, कृष्ण चरितम वगैरह बहुत इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको इसे क्या कहा जाता है? कविराज। क्या कहा जाता है? कविराज। कविराज की उपाधि किसे मिली थी? समुद्रगुप्त। बहुत ही योग्य शासक था। सोचिए ना, ननिहाल से भी बहुत अच्छा संबंध था। ननिहाल एक ऐसा जगह है जहाँ लोग आपको आपकी माता की वजह से जानते हैं। बाकी हर जगह तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान। हम अपने पापा से एक बार इसी पे डिस्कस कर रहे थे तो पापा हमारे झाड़ दिए गए। तू ही जानता है वो तो रिश्ता हमारे वजह से, सब आप ही के वजह से। कभी कभी हमारे पापा में, हमारे में कभी कोई बड़ी वार्तालाप बहुत खतरनाक वाला हो जाता है, डिस्कशन वाला। मेरे पिताजी अभी पुराने, मतलब मुझे देखते हैं, अब दादा बाबा को देखते होंगे, पुरुष प्रधान वाला सोच है कि नहीं। तो देखो 100% पुरुष भी सही नहीं है, 100% महिला भी सही नहीं। तो यहाँ भारत में एक और समस्या है कि आप अगर किसी को बराबरी समझिए ऑटोमेटिक, ये नहीं कि कोई पूरी जाति विशेष को ही आप सम्मान दीजिए या जाति विशेष को ही सम्मान से छीन लीजिए, जैसे पूरी महिला का इज्जत। नहीं भाई, सबका काहे किया जाएगा? सुपनेखा भी तो महिला थी, नहीं थी? और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे। उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिए काट दिए थे। सुपनेखा का नहीं पता है? देखो, लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं। लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया। कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया है। कौन जी कहती है? नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज? इस सबको समझो में नहीं आता है, कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। कहा नहीं सर, हम लोग पीछे थोड़े हैं। अब वही बोलते हैं कि दिमाग कम होता है तो गुस्सा आई हो जाती है। करिए नहीं सर कम। चलो भाई बता, लिक्ष्मी दाहित्र किसे कहा जाता है? धरणी बंद भारत का नेपोलियन। पुराणों के अनुसार किसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी? समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख किसका है? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? महासंधि विग्राह का अर्थ क्या होता है? संधि कराने वाला। कौन कराने वाला? संधि कराने वाला। कविराज की उपाधि? समुद्रगुप्त को वीणा बजाना बहुत ही पसंद था। वीणा, सरस्वती जी देखते हैं, अब्दुल कलाम को भी वीणा बजाना बहुत पसंद था।
वीणा बहुत ही प्राचीन, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? वीणा को। वीणा बजाना समुद्रगुप्त को बहुत पसंद था, हम कैसे मान ले पसंद था, हमको बताया क्या नहीं? उसका जो सिक्का मिला है ना, उसपे एक जगह देखा गया है समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, क्या बजाते हुए, वीणा बजाते हुए देखा गया। इसी सिक्के में समुद्रगुप्त ने देखा कि भाई हमारे जो बाबूजी थे राजा रानी सिक्का चलाए थे, हम क्या चलाए, तो इसने सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का चला दिया। अपने को पूरा बुलेट प्रूफ, पहले के जमाने का बुलेट प्रूफ देखते थे, तलवार से रोक लेता था, महाराज से भाला लिया है, तलवार लिया, ऐसे फोटो सिक्का पे बना हुआ है। तो सैनिक वेशभूषा में सिक्का किसका है, समुद्रगुप्त, सैनिक वेशभूषा में समुद्रगुप्त। वीणा, वीणा बजाना किसे प्रिय था, समुद्र। इसके समय में मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो मयूर शैली का सिक्का, इसके मोर वगैरह बने होते, मयूर मतलब क्या था, मोर। तो मयूर शैली का सिक्का किसके समय प्रसिद्ध था, समुद्रगुप्त के। वीणा बजाते हुए समुद्र, सैनिक वेशभूषा में समुद्रगुप्त को देखा गया। समुद्रगुप्त बहुत ही योग्य शासक था, भारत का नेपोलियन समुद्र। समुद्रगुप्त को क्या कविताएं लिखना पसंद था, कविराज की उपाधि दी गई थी। पहले के जमाने के लोग मल्टी टैलेंटेड हुआ करते थे, मल्टी टैलेंटेड, और अब के वक्त के लोग मल्टी टैलेंटेड नहीं हो गए। आप अपने पिताजी से पूछिएगा ना, उस वक्त नाइन्थ और टेंथ का एक ही बार एग्जाम लिया जाता था। आप पूछिएगा अपने पिताजी से, ये नाइन्थ और टेंथ लड़का बड़ी मन से पढ़ता था, ट्वेल्थ इलेवेंथ और ट्वेल्थ का एक साथ पेपर लेता था, इलेवेंथ का भी एग्जाम होता था, उसको दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्वेल्थ में पूछता था शुरू से। तो लड़का बहुत मेहनत करता था, शुरू से लेके लास्ट तक एक एक चीज पढ़ता था। और आजकल का लड़का क्या हो गया, स्पेशलिस्ट, क्या चीज भैया, फिजिक्स, वे इंटर वाला अलग वाला अलग, बड़ी बड़ी स्पेशलाइजेशन हो गया। जबकि यहाँ देखिए ना, एक ही व्यक्ति कितना कितना महान हो सकता है। यहाँ पर समुद्र को बहुत ही खतरनाक भी था, एक तरह से सब लोग डरते भी थे, बहुत ज्यादा डरते थे। श्रीलंका, यहाँ भारत के नीचे क्या है, श्रीलंका, यहाँ पे क्या होगा, श्रीलंका। श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि बिहार के बोध गया में, कहां पर, बिहार के बोध, एक मंदिर का निर्माण किया जाए, क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। अब वो निर्माण करने के लिए उनको डर इस बात का था कि अगर जाके डायरेक्ट निर्माण करने लगेंगे तो सोचो समुद्रगुप्त थूर देगा, इसलिए समुद्रगुप्त के दरबार में क्या भेजा, दूत भेजा कि भैया हमें मंदिर निर्माण कराना है, हम कब्जा करने नहीं आए। समुद्रगुप्त ने कहा कि आइए आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समुद्रगुप्त ने किस देश के दूत को मंदिर निर्माण की अनुमति दी, किसे दिया, श्रीलंका को। समझ में आ रहा है कि समुद्रगुप्त, गुप्त वंश किसके सामंत थे, कुषाण, किसके, कुषाण, कुषाणों के सामंत। इन्होंने उत्तर प्रदेश या बिहार को चुना, उत्तर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह, कौन सा गुप्त वंश का पहला शासक, दूसरा वास्तविक संस्थापक। इन दोनों को हम वास्तविक क्यों नहीं मानते, इन्होंने शासन तो किया किंतु सम्राट राजा के रूप में ना होकर के सामंत के रूप में। इसका पहला शासक कौन था भाई, चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। शादी कहाँ किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। कौन सा सिक्का चालू किया, राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया था। इस वंश का नेपोलियन कहा जाता था समुद्र, बहुत ही योग्य शासक था समुद्रगुप्त। किसी को कोई समुद्रगुप्त में दिक्कत नहीं, हमेशा देखिएगा ना, एक तरफ देखा जाता है कि एक योग्य आएगा तो एक बकलोल आ जाएगा, फिर एक योग्य आएगा एक बकलोल। जिन पैरों ने कभी ठोकर ना खाई हो उन्हें पहाड़ जैसी मंजिल कभी नहीं चढ़ा जाएगा। तकलीफ आना इस जिंदगी में, तकलीफ का आना, मुश्किलों का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उसे चीरते हुए निकल जाना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। समझे ना, तकलीफ से कभी नहीं घबराना चाहिए। तकलीफ का मतलब होता है कि आपको ऊपर वाला और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं। इस वजह से वंश में भी कुछ कुछ बकलोल पैदा हो जाता है। इसी में देखिए, इसके बाद आया रामगुप्त। कौन है, रामगुप्त, कौन है, रामगुप्त। इसका शादी हुआ देवी नाम की लड़की से, कुमार देवी से नहीं, किससे हुआ, देवी। उसका नाम क्या था, कुमार देवी। अरे पत्नी चेंज नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगा। किससे शादी हुआ भैया, देवी। ये था बकलोल टाइप का, और ये लड़की थोड़ी होशियार सुंदर। तो देखो भाई, लड़का कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा वो कभी नहीं बोलने जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, नहीं। लड़की अगर पढ़ लेगी हम ही काम करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, अजय वाले पढ़े लिखे हैं, कौन हमारा एहसान कर दो, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई कर, कौन कहता नहीं।
आसन कम नहीं है। आप कौन सा काम कीजिएगा कि आपको बेंच लगा के दिया जाएगा, ऊपर पंखा दिया जाएगा, कोई ऐसा काम है? आप तनी घर जाके तनी रोटी बेलिए, घर मेहनत लगेगा। सबसे इजी काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आप उसको मुश्किल बना के रखेंगे तो अलग बात। तो ये देवी किसको पसंद नहीं करती थी? राम गुप्त को पसंद नहीं करती थी, मने मनी करती थी, दूर सोच रहा तू से ब्याह हो गया। अजीब है, लड़की सबका पूरा भतीयो समझ में नहीं आ जाएगा। वो मीठा खाने का मन करेगा तो कहेगी चुनिए ना चीता खाने का मन करे, चीता खाने का उल्टा बोलती है सब उसको। बस ये दोनों में जमता नहीं था। इसका राम गुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त। अब आप बताओ भैया, चंद्रगुप्त प्रथम लिखे कि द्वितीय लिखे? द्वितीय। ये देवी जो थी ये राम गुप्त को पसंद करती थी? नहीं। वो किसको पसंद करती थी? देवरा को अपने। तो देवी जो थी अपने देवरे से फंस गई। किसे फंस गई? देवरे से। अभी दोनों प्लान बनाया सब कि बीच का जो काटा है राम गुप्त इसको निपटा दिया जाए। अरे दोनों मिलके मार दिया सब इसको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देवी किससे फसल थी? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ये दोनों मिलके किसको मार दिया सब? राम गुप्त को मार दिया सब। अरे भाई साहब गजब गजब कांड हुआ यहाँ। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं बराबरी में शादी ब्याह कीजिएगा। नौकरी में आप अगर बहुत सक्सेस हो गए तो ये ना कि बहुत हाई प्रोफाइल लड़की लेके चला, वरना क्या पता कि इतिहास दोहरा दे। और ये हकीकत भी है बहू, हर लड़की का अपना भी एक सपना होता है। इसका ये नहीं मतलब है कि आप बहुत बड़का मतलब नौकरी वाले हो गए हैं, आप मंगरेला की तरह भी है तब वो मतलब लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हो जाता है, सरकारी नौकरी होगा ना तो हो जाता है। तो जितना लड़की लोग लोग आप लोग समझिएगा, आपका नौकरी नहीं हुआ ना तो समझिएगा कि मंगरेला। समझा कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? चलो भाई, देवी का ना, देवी ने दोबारा शादी किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसकी पूरा पोल पट्टी खोल दिया विशाख दत्त की पुस्तक है, मुद्रा रक्षण है, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में इसकी पूरा चर्चा किया गया है। देवी से क्या हो जाएगा? देवी। और चंद्रगुप्त से क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम में पूरी तरह से इसकी जानकारी दे दी गई है कि कैसे देवी ने अपने पति का भाई निपटा दिया और अपने देवर से फंस के पति को मरवा दिया। लेकिन अब बात करते हैं किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही योग्य शासक था। योग्य था तब तो फसल थी। लड़की सब बहुत होशियार होती है, सब आलतू फालतू देख के पसंद नहीं करते। कभी सुने मेरे सपनों का वो मजदूर, मेरे सपनों का वो राजकुमार, मेरे सपनों का राजकुमार। चलो ध्यान दो इधर, क्या हो गया? किस पे? अफवाह के बेस पे नहीं है, ये हकीकत है। करिए कि सर ये अफवाह भी तो हो सकता है कि नहीं? लड़की तुमको झांसी की रानी पढ़ना है तो सही है, ज्योतिबा फूले पढ़ना है सही है, रजिया सुल्तान सही है, देवी चंद्रगुप्तम अफवाह है। वाह वाह। भाई साहब अब आगे देखो ध्यान से। सब पता नहीं कहा समझती है सब हमको, मतलब भाई देखो अगर कोई चीज अफवाह रहेगी तो हम बोल देते हैं कि ऐसा कहा जाता था, ऐसा हम आपको बता देते हैं कंफर्म, और कंफर्म रहेगा तो हम कंफर्म बताते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही खतरनाक शासक था। ये खोजिए रहा था, जानते हैं किसको? इसको पता था कि अगर हमको ना बड़ा कांड नहीं करेंगे ना तो खाली देवी की चर्चा होगी, क्योंकि इसको बेहतरीन ढंग से पता था कि एक बड़ा न्यूज छोटे न्यूज को दबा देता है। अभी जैसे भारत में पेट्रोल बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभी एगो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए लाहौर में, सब पेट्रोल बाढ़ में गया, 200 रुपया रहेगा चलेगा। तो इसको पता था कि बड़ा न्यूज ही छोटे न्यूज को दबाता है, अभी क्या करे इसको? तो इसने देखा एक काम करते हैं, कुषाण के संस्था समंत थे हम लोग, इधर देखा था शक शासक, शक तो था सभी, कुषाण के कैलेंडर को अपने पे अपना लिया। कहा कि अब क्या करे,
हमला कर दिया किस पर, सक सकों का नाश कर, क्या कर दिया नाश कर, और उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, क्या उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, तो सकों का अंत करने वाला शासक, और कौन सी उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, कौन सी उपाधि धारण किया विक्रमादित्य की उपाधि, बहुत ज्यादा शासकों ने 14 को शासकों ने कौन सी उपाधि धारण किया विक्रमादित्य की उपाधि, आप लोग भी धारण कर सकते हैं, अभी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते, संविधान ने रोक लगा रखा, सकों का अंत किया विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, चांदी का सिक्का चालू किया, और ये न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, बहुत अच्छा न्याय किया था रामगुप्त के साथ। देखिए इतिहास गवाह है कि आपके कभी भी अच्छाइयों को लोग नहीं याद रखेंगे, जिंदगी के जो दस्तूर होते हैं अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी बहुत आसान लगती है, किसी को मिर्चा खिलाएंगे तो उसको पता है कि ये तीता लगेगा कि क्यों, क्योंकि आपको पहले पता है कि भैया इसका यही नेचर है, वो मीठा कभी लग ही नहीं सकता, तो क्या मिर्चा से तीता लगता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं, मेरा नसीबे खराब है, खाए थे मिर्चा तीता लग गया, अरे सोचा तो नहीं, मिर्चा तीता होता ही है, पता चलना चलना चाहिए। उसी तरह ये दुनिया का दस्तूर है, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, इसलिए आप भलाई करते हैं ना तो उसी समय भूल जाइए, क्योंकि बारिश के बाद लोगों को छाता बोझ लगने लगता है, तो जीवन में किसी के लिए भलाई कीजिएगा कभी याद नहीं रखेगा आपको, और अगर आपको ये लगेगा अगर आप दुनिया की दस्तूर नहीं पता है आपको तो ये तकलीफ देगी, मेरे लिए हम उसके लिए ये किए, मेरे लिए वो ये किया, अरे यार दुनिया का दस्तूर है, हम लोग ने आपने भी बहुत सारा भलाई किया होगा, हम लोग ने भी बहुत लोगों का किया, लेकिन हमारा जीवन का उसूल है जो काम है करके निपट जो, हम नामों भुला जाते हैं तुम कौन थे, क्योंकि कोई याद नहीं रखता, और उसी तरह दुनिया का सबसे खराब वो दस्तूर है कि आप कब गलत कब थे ये कोई भूल ही नहीं सकता है, इसलिए गलती अगर किए हैं तो याद रखिएगा ये परमानेंट मोहर है, छाप दिया यहाँ पर। उसी तरह चंद्रगुप्त ने बहुत सारा अच्छा भी काम किया लेकिन कई जगह गलती भी किया, इसलिए हाईलाइट कौन वाला हो जाता है, देवी वाला हो जाता है, इसने सकों का क्या किया था नाश, कौन सी उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, कौन सा सिक्का चांदी का सिक्का, न्याय के लिए फेमस था, स्टोन के सिंहासन पे बैठता था, जब इसे न्याय करना होता था तो अपना सिंहासन हटा देता था, अपना सिंहासन हटा देता था, जो बड़का सिंहासन होता है ना कुर्सी वाला उसको हटा देता था, एगो पत्थर का चबूतरा बनवाया था उस पर बैठ कर क्या करता था न्याय करता था, और ऐसे पूरे भारत में दो ऐसे शासक हुए जिनके समय न्याय बहुत जबरदस्त थी, एक जहांगीर के समय न्याय के लिए उसने जंजीर टंगवा रखा था घंटी बांध के, और जंजीरवा उसके हिलाइएगा तो उसके बेडरूम में घंटी बजेगा, किसी को कुछ भी समस्या आके घंटी बजा दे, जहांगीर आकर कौन सी हो गया साहब मेरा बकरी चोरी हो गया, घोषवा का बकरी कौन ले गया, तो न्याय के लिए वो फेमस था, सबसे ज्यादा अगर न्याय के लिए कोई फेमस था तो कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय, न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा ये क्या था फेमस था। इसके दरबार में चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहयान, क्या आया था फाहयान, कौन आया था फाहयान, इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की, देखिए फ से फाहयान फ से फो क्यू की, फ से फाहयान फ से फो, और हैन संग आएगा तो सी क्यू की, समझा गया कि कोई क्या करेगा, चाइनीज भाषा समझे में नहीं आता है, तो फाहयान किसके दरबार में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जब आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हिंदू धर्म का बड़ा विकास हुआ, हिंदू धर्म का बहुत ही विकास हुआ, क्योंकि यही वो समय था जब बौद्ध धर्म लड़खड़ा रहा था, बौद्ध धर्म क्या रहा था लड़खड़ा था, देखिए कनिष्क है चौथी बौद्ध संगीति किसके समय, कनिष्क के समय हुई थी चौथी संगीति, उसके बाद ये सामंत आ गए थे, बौद्ध धर्म को अब मानने वाला कोई बड़ा शासक रहा नहीं, इसमें ही इसको लगा कि यही समय है हिंदू धर्म का क्या करना है उत्थान करने के लिए, तो यही वजह है कि जो चीज आप हिंदू धर्म में एक चीज देखिएगा ना, आपको हर जगह का कल्चर एक टाइप का नहीं मिलेगा, आप बंगाल का दुर्गा पूजा देखेंगे कुछ अलग होगा और पटना का दुर्गा पूजा कुछ अलग होगा, आप साउथ में जाके देखेंगे तो छठ बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और जहां जहां बिहारी है ज्यादा मात्रा में वहां भी बड़ा फेस्टिवल, आप बिहार में कोई ओणम मनाता है पोंगल मनाता है नहीं मनाता है लोहरी बहुत कम, तो देखिए हम जो साउथ में जाएंगे तो ओणम पोंगल ही बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है साउथ वाले लोगों का, तो इसने कहा कि भाई हिंदू धर्म को हमको क्या करना है बांध के रखना है, इसने एक चीज देखा कि लोग जो धर्म की जो मानते हैं धर्म की पूजा जो करते हैं ये केवल त्योहार टू त्योहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को देखे, मुसलमान को रमजाने में अपना इस्लाम जगेगा कि भाई गलत काम नहीं करना चाहिए, इवन हिंदू धर्म में देखेंगे तो सावन के महीने में चिकन मटन मत खाओ, नवरात्रि में थोड़ा ठीक ठाक से रहो भाई
बहुत पवित्र समय होता है नवरात्रि, देखते कि नहीं। इसने कहा कि भाई साहब हमको हर तरह से क्या करना है, हिंदू धर्म को बिखरने नहीं देना है। तो हिंदू धर्म का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो किसके काल का था, गुप्त काल, और किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय समय। इसने भी बहुत सारे त्योहार वगैरह को चालू किया, कराया गया था। जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ना हिंदू धर्म का, ये इसी के काल का था, इसके समय संस्कृत भाषा के। नो सर मुझे साल भर रहता है। हाँ कोई बात नहीं, साल भर आप धर्म के पूजा कीजिए। ऊपर करो तो जी, कौन है भाई साल भर पूजा, बस बस चलिए ध्यान से समझ ले। बहुत देखिए दो चीज अगर हटा दीजिए ना समाज से तो भगवान बड़ी जल्दी किनारे, गरीबी और समस्या है। दुख और गरीबी हट गया ना तो भगवान का पूजा बहुत कम लोग करें, क्योंकि समस्या में भगवान लोग की क्या आती है, याद आती है। फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में संस्कृत भाषा के बहुत ही बड़े बड़े 9 विद्वान रहते थे। कितने विद्वान, 9, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, नवरत्न। क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध नवरत्न थे कालिदास, सबसे प्रसिद्ध नवरत्न कालिदास। कालिदास ने बड़ी बड़ी कहानी लिखा है, और ये ज्यादातर रोमांटिक कहानी या प्रेम प्रसंग को ही लिखना पसंद करते थे, प्रेम प्रसंग को लिखना पसंद करते थे। जैसे अग्निमित्र और मालविका, उस मित्र सुन का बेटवा अग्नि में, तो मालविका और अग्निमित्र क्या हो गया, मालविका अग्निमित्र। क्या हो गया, मालविका अग्निमित्र। पार्वती जी और शंकर जी की जो प्रेम प्रसंग की चर्चा है तो वो भी किस चीज के लिए, उसमें भी पार्वती परिणय। ऋतु संहार, ऋतु संहार क्या चीज है भैया, मतलब नहीं देखे सावन का मौसम आयो रे प्रेम ले आयो रे, ऐसे करके कुछ है, ऐसे गाना होता है। ऋतु संहार की भी चर्चा किया गया इसमें, बहुत सारा चीज इनमें कालिदास में है। मालविका अग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान और शाकुंतला की चर्चा। तो ये जितनी भी मतलब ये जो आपका श्रृंगार रस, हिंदी में आप पढ़े होंगे, जिसमें प्रेम की कहानी होती है उसे कहते हैं श्रृंगार रस, जिसमें मार धाड़ युद्ध की चर्चा होती है, वीर रस। तो ये श्रृंगार रस में लिखना पसंद करते थे, समझे। इस वजह से इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, और भारत का नेपोलियन समुद्र को। भारत जब ये गुप्त वंश चल रहा था ना, इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस समय हर चीज का विकास हुआ, चाहे वो युद्ध देख लीजिए, शास्त्र देख लीजिए, शस्त्र देखिए, हिंदू धर्म देखिए, या क्षेत्रफल विस्तार देखिए, हर जगह विस्तार हुआ। इसलिए पूरे भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। क्या कहा जाता है, गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के कितने विद्वान थे, 9, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे। बाकी 9 लोगों का नाम कोई फेमस नहीं। इसमें एक धनवंतरी थे जो वैद्य थे, नवरत्न में एक धनवंतरी थे जो क्या थे, वैद्य, डॉक्टर थे, धनवंतरी। कई हॉस्पिटल वगैरह भी मिलेंगे आपको धनवंतरी के नाम पर। पीएमसीएच में कई वो हॉस्टल है धनवंतरी हॉस्टल वगैरह करके, वो डॉक्टर सबके लिए। तो वैद्य थे, तो उसी हिसाब से मतलब उनको किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसके बाद जो अगला शासक आया कुमारगुप्त। देखिए कौन है, कुमारगुप्त। आपको इतना तो पता होगा कुमारगुप्त ने यूनिवर्सिटी बनवाया था, कौन, कुमारगुप्त। तक्षशिला कैसे बनवा देगा जी, पाकिस्तान में तक्षशिला। कुमारगुप्त ने कौन सा विद्यालय बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था, हॉस्टल सुविधा। आज भी घुसिएगा ना नालंदा यूनिवर्सिटी में, अब तो खंडहर हो गया है, शुरुआत में ही आपको हॉस्टल का एरिया दिखेगा, छोटा छोटा कमरा बनाया गया था, वहां हॉस्टल सुविधा थी। तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय। किसने बनवाया था, कुमारगुप्त। लेकिन दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कब देखा, तो तक्षशिला, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में। किसमें है, रावलपिंडी। कहां पर है भैया, पाकिस्तान के रावलपिंडी। उसे राजा तक्ष ने बनवाया था। तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहेगा तो तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, तक्ष। लेकिन गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र नालंदा। अभी तो नालंदा खंडहर हो गया, नालंदा खंडहर हो गया। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नहीं था, क्या था, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जला दिया। संगा गिने का
बहुत मतलब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, हालांकि वहां पर महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में कौन सी शिक्षा दी जाती? महायान शाखा, महायान शाखा। जबकि भागलपुर के विक्रमशिला में ब्रजयान, भागलपुर के विक्रमशिला में ब्रजयान। अब ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बताएंगे जब हम आपको पाल वंश पढ़ाएंगे, तब पाल वंश जो इसके बाद आएंगे सब पाल वंश। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने कौन सा? ब्रजयान, ब्रजयान शाखा ने ही डुबा दिया बौद्ध धर्म। अब महायान शाखा की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता था? नालंदा विश्वविद्यालय को। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? कुमार गुप्त बोल रहा है। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था भाई? नालंदा, सुदर्शन झील खत्म। स्कंद गुप्त के बाद उसके ज्यादा कुछ है ये नहीं। और एक तो होगा आपका भानुगुप्त, एरण अभिलेख सती प्रथा की चर्चा, विष्णुगुप्त वगैरह वगैरह। बस थोड़ा सा और देखना है यहाँ पे, पहले इतना रिवाइज करते हैं तब समझते हैं। महायान मतलब क्या होता है? कौन आप है? महायान मतलब क्या होता है? आपका चौथा क्लास है आज, शुरू से किए हैं, सिर्फ बौद्ध धर्म छूट गया है। कह रहा है कि सर महायान क्या होता है, मेरा बौद्ध धर्म छोड़ के सब कुछ पढ़ा हुआ है। यार तुझे पागल कर देगा क्या बताए यार, बताओ भाई। बौद्ध धर्म में कई शाखाएं हैं, जैसे हीनयान जो बौद्ध धर्म के आस्था में थोड़ा भी चेंजिंग नहीं करता, उसका मॉडर्न रूप क्या है? महायान। उसमें और संशोधन करके ब्रजयान, शून्यवाद, सब कई ठो है सब। अब आप पूरा का पूरा टॉपिक है छोड़ देंगे तो दिक्कत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वाले किसके सामंत थे? कुशाण। इनका क्षेत्र यूपी या बिहार? राजधानी असम। अरे कौशाम्बी तेज बोलो ना, कौशाम्बी। हिंदू धर्म या जैन बौद्ध धर्म? वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप किसकी देना? गुप्त काल की देना। किसकी है? गुप्त काल। गुप्त काल का पहला शासक श्री गुप्त, दूसरा घटोत्कच। ये दोनों शासक थे या सामंत? क्या हम इन्हें वास्तविक शासक मानेंगे? पहला वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम। शादी कहाँ किया? लिच्छवी। किस लड़की से? कुमार देवी। सिक्का चालू किया? राजा रानी। इसका बेटा समुद्रगुप्त खुद को क्या कहता था? लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लिच्छवी दौहित्र। आगे बढ़े। अरे हाजीपुर, छपरा, सिवान, ये सब वाला एरिया क्या था? लिच्छवी का होता था। आप में से कौन कौन है सिवान, छपरा, ये सब वैशाली? सब लोग अपने आप को लिच्छवी दोहित बोल सकते हैं। हम भी लिच्छवी दोहित, हमारी भी मम्मी सिवान की, हम भी क्या है? हाँ तू सिवान का है? ममारे रे मेरा, अब क्या करेगा, घरे जाएगा क्या? हमारे पूछ रहा है सिवान में कहाँ है। तो हम भी क्या हो गए भाई? लिच्छवी दोहित्र। आप भी लगा सकते हैं लिच्छवी दोहित। तो लिच्छवी दोहित कहा जाता था। उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 राज, दक्षिण भारत के 12 राज्य जीत लिया। क्या दक्षिण भारत को मिलाया या टैक्स लेके छोड़ दिया? जिस कारण इसे क्या कहा गया? धरणी बंध। इसको अंग्रेजी में क्या कहा गया? नेपोलियन। मतलब बीएन स्मिथ ने किससे तुलना कराया? नेपोलियन। पुराणों के अनुसार इसका घोड़ा कितने समुद्र का पानी? ये साम्राज्यवादी था या अहिंसावादी? साम्राज्यवादी, समाज को बढ़ाना चाहता था, साम्राज्यवादी था, अहिंसावादी नहीं था। इसके विजय अभियानों की चर्चा प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में लिखी गई है। यह किसका है? हरिसिंह। दरबारी कवि थे। इनके कौन सी उपाधि मिली हुई थी? कविराज की उपाधि तो खुद एक समुद्रगुप्त को था। महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक। क्या कहा गया? महासंधि विग्राहक। लाइव वाला ठीक जवाब देता है, महासंधि विग्राहक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसने कई साल विजय अभियान की चर्चा किया गया यहाँ पर। इससे कौन से देश के राजा ने राजदूत भेजा था? किस लिए राजदूत भेजा? मंदिर बनाने के लिए। कहाँ पर? बोध गया में। मंदिर निर्माण अनुमति दिया या नहीं दिया? इसके समय सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन था? मयूर शैल। इसे सिक्कों पर किस वेशभूषा में देखा गया? सैनिक में। क्या बजाते हुए देखा गया? किसका संगीत कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। सरस्वती जी का भी वही है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा। अगला शासक कौन आया? रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी किससे फसल थी? चंद्रगुप्त द्वितीय से।
मार दी किसको? इसकी जानकारी किस पुस्तक में है? कि कौन पुस्तक में है? नहीं लिखा है क्या जी? मटेरियल में नहीं लिखा है? लिखा है? चलिए ठीक है, देवी चंद गुप्तम किताब में इसकी जानकारी मिलती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका अंत कर दिया? शकों का अंत कर दिया। कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का चालू किया था। इसने कौन सी उपाधि धारण की? न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त द्वितीय। सिंहासन, न्याय का सिंहासन किसका? कौन सा विदेशी आया था? फायान की पुस्तक का नाम हो क्यू की, हो क्यू की। हिंदू धर्म का विस्तार इसके समय तेजी से हुआ या धीमा? बहुत तेजी से हुआ था। इसके दरबार में संस्कृत के कितने विद्वान? उन्हें क्या कहा जाता था? सबसे प्रमुख नरद। कालिदास की तुलना किससे करते हैं? विलियम शेक्सपियर से करते हैं। उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी ड्रामा लिखा गया था। विलियम शेक्सपियर भी बहुत महान व्यक्ति था। ये उसके, इसके बाद कौन आया? कुमार गुप्त। कौन आया? श्री गुप्त। कौन बोल रहा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला। ध्यान से सुनिए, तक्ष दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल सुविधा दी, नालंदा। और धर्म की किस शाखा की शिक्षा? महायान। कौन से हो? महायान। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, किसी को कोई दिक्कत? नालंदा विश्वविद्यालय को आग कब लगाया गया था? 1100। किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी। बख्तियार, किसी को कोई शक, कोई दिक्कत? आज शाम 6 बजे आपका वर्ल्ड मैप चालू होगा। हाँ, आप कल बता देंगे रीजन, टाइम हो गया, ठीक है।